बुरहानपुर की पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। गुरुवार दोपहर मीडिया के सामने उन्होंने यह तमाम जानकारियां दी। इतना ही नहीं, हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ साथ बुरहानपुर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। बता दें कि प्रत्याशी हर्षवर्धन ने बुरहानपुर विधानसभा से सीट से निर्दलीय चुनाव अब लड़ने की पूरी तैयारियां कर ली है। बीजेपी की ओर से अर्चना चिटनिस को टिकट देने से वो नाराज चल रहे थे। वहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान का कहना है कि वापस 1980 की स्थिति निर्मित हो सकती है। यदि व्यक्ति खराब हो, खराब व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया हो, तो कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का ये अधिकार बनता है कि वो उस व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति मैदान में उतरा हो, उसको वोट देकर जिताएं। और इस प्रकार के निर्णयों का पार्टी को अपने मत के द्वारा जवाब उसी तारतम्य में, उसी विचारधारा और उसी आदर्श को लेकर के मैं निर्दलीय चुनाव में जनता के आदेश पर उतरा हूँ, क्योंकि जनता ने खड़ा किया है और ये सोचकर खड़ा किया है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के परिवार से कोई व्यक्ति आगे आए जो कि उन्हीं की तरह इस क्षेत्र की सेवा करे। चूँकि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और जब निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना था, जो कि आज मैंने दे दिया। कल मेल पर डाल दिया था, आज जिला अध्यक्ष जी को उसकी हार्ड कॉपी भी दे दी और अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल उसका जो फोटो है वो भी अपलोड कर दिया। कितने लोग आपके साथ समर्थन दे रहे हैं? अब अगर मेरे साथ में अभी देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग इस्तीफा अभी देने वाले हैं। आज कुछ आज देने वाले हैं, कुछ कल देने वाले हैं। ये मानकर चलिएगा कि जो 1980 की स्थिति थी वो निर्मित हो जाएगी अगर सभी लोगों ने इस्तीफे दे दिया।